जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते आज वो सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो महिलाओं को पुरुषों से कम समझते हैं। इसीलिए दिखावे के लिए कभी कहते हैं हमने राष्ट्रपति महिला बनाई, कभी कहते हैं हमने इतनी मंत्री बनाई महिलाएं, मगर लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान पर बात कर लेना अलग बात होता है। कोई भी कर सकता है, उस पर GST नहीं लगता। वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है प्रधानमंत्री जी, और भाषण कोई और लिखता है, बोल देने से क्या फर्क पड़ता है। महिलाओं पर सेंगोल का प्रहार फिर से हुआ। पहले महिला पहलवानों पर मई 2023 में जब वो प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, और आज महिला कांग्रेस की नेत्री और कार्यकर्ता जब बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, तो अमित शाह गृह मंत्री की पुलिस ने उन पर सेंगोल का प्रहार कर दिया। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। भाई महिला वहाँ पे बैठी हैं तो महिला पुलिस कहाँ गई? या वो भी आपने अग्निवीर के तरीके से महिलाओं को कम कर दिया। जो महिलाएं दिखी वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, मगर ये इंस्पेक्टर कौन था जो महिलाओं पर हाथ उठा रहा था, जो थप्पड़बाज है? और ये आपका थप्पड़बाज इंस्पेक्टर है गृह मंत्री अमित शाह जी। इसको कब हटाएंगे आप? मगर उससे बेहतर तो ये है कि आप खुद हट जाएं और सिस्टम ठीक हो जाए। मगर इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि आपने उसे ये हिम्मत दी। महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस वालों को छोड़ने का क्या मतलब होता? नियम कायदे नहीं पता क्या? गुजरात से आए हैं, शायद आपको लगता है कि महिलाओं को पुरुषों के सामने छोड़ दिया जाता है। 2002 में जैसे हुआ, शायद आपको लगता है कि पुरुष पुलिस से महिलाओं की पिटाई करवा दो, वो गुजरात में होता होगा। मगर ये भारत देश की राजधानी है, यहाँ पर कैसे हुआ? जिम्मेदारी किसकी? गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।